Mangalam Dangalam. Makhan beta. Makhan beta. Aur tum bhikhari bankar kyun ghoom rahe the? अरे अपन तो इंसान बन के गए थे, भिखारी बनकर वापस आ रही है। मक्खन तो कहाँ गया था और कहाँ से लौट के है? अरे अपन किसी का बहुत। अब इन सबको कैसे बताऊं कि मालिक ने अपन से कहा था कुट्टी अम्मा के घर का काज गुलेल से पत्थर मार के तोड़ना है। अरे अपन किसी का काम निपटाने गए थे, खुद ही निपट के आ रही है। और बचा कुचा ये झाड़ू, ये हॉकी, ये घुसन से लातों से निकाल दिया आपने। लेकिन एक बात बता मुझे, तू जिस काम के लिए गया था वो काम तो हुआ कि नहीं? काम तो हो गया। वाह, बेचारे की रूह से आह निकल रही है, कितना मारा है बेचारे को। अब सच सच बता, हुआ क्या था? अरे क्या बताया मालिक, अपन के पीछे एक बहुत बड़ा सांड पड़ गया। उसने फिर जो अपन को पटका है, फिर झटका है, फिर पटका है, फिर झटका, बस फिर अपन आपके सामने ही है। अरे भिखारी को क्यों पाल के रखा हुआ है? अरे अर्जुन ये मक्खन है, भिखारी नहीं, बस लग रहा है भिखारी जैसा। जिंदा है। ए अर्जुन आगे तो सुनो, हुआ क्या? देखो रूमी, मेरे मूड का फुल फालूदा हो चुका है। एक ऐसा केस मेरे पास है जो डेफिनेटली मैं हारने वाला हूँ। पर पीजे, ऐसा कौन सा केस है जो आप हार जाएंगे? कब्जा किंग का केस। कब्जा किंग जिसका नाम है भूषण भाटिया, जो है इतना घटिया और उसकी पहुंच है इतनी ऊपर, इतनी ऊपर, इतनी ऊपर। अगर उसने घर पे कब्जा कर लिया ना, तो वो कोर्ट की क्या खुद की भी नहीं सुनता। ओह, कब्जा किंग। हल्दी, तेरे लिए मक्खन वाला दूध लेकर आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मक्खन तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आया हूँ। मालिक जी आप क्या गजब कर रही हो, क्यों मुझ गरीब पर पाप चढ़ा रही हो? अपन आपकी सेवा के लिए, आप अपन की सेवा कर रही हो। देख, उस गंजे ने तुम्हें मेरी वजह से मारा है ना, इसलिए मेरा फर्ज बनता है बेटा। नहीं मालिक नहीं, एक तो मुझ अनाथ को आपने अपने सीने से लगाकर बेटे जैसा दर्जा दिया। अरे अपन आपके लिए जान दे सकता है। खबरदार, जो ऐसी बात बरा की तो जान ले लूंगा तुम्हारी, मतलब बात नहीं करूंगा तुमसे। हाँ नहीं मालिक, ऐसा मत करना मालिक। मालिक हाँ, वो जो आपने काम बोला था ना, हाँ, वो अपन कर नहीं पाए मालिक। आज रात को ही अपन जाके शीशा तोड़ दे। कोई जरूरत नहीं है शीशा वीशा तोड़ने की। मेरी खोपड़ी की हांडी में एक प्लान बराबर पक चुका है, और वो प्लान है ये। अरे उसे छुओ मत, बिजली का तार गिरा है उस लेटर बॉक्स में, सब करंट फैला हुआ है उसमें। हम लोग खंबे पे चढ़ के कनेक्शन काट रहे हैं। मालिक ने कहा था कि ये चिट्ठी कुट्टी अम्मा के लेटर बॉक्स में डाल देना, फिर शुरू होगा असली हंगामा। ए क्या कर रहा है? भंगड़ा कर रही हूं, तू भी करेगा?
ए लेटर बॉक्स को छूना मत वरना अपन को धमकी मक्खन इंदौरी को धमकी ए अपन किसी की धमकी उमकी सुनता नहीं है ठीक है ना अपन हाथ क्या पैर भी लगाएगा इसमें ए, 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 मक्खन बहुत दर्द हो रहा है तभी तो चिल्ला रही है जल भी रहा होगा ना तभी तो झल्ला रही है ये भगवान फिर से ये हुआ कैसे अरे क्या बताए अपन ने अरे अपन फिर से एक काम निपटाने गए थे पर नहीं पता था अपन फिर से निपट जाएंगे तो क्या फिर से पागल कुत्ता पीछे पड़ गया था नहीं फिर से वही वाला सांड हमारे सामने अपन सांड के सामने फिर अपन भागे फिर अपन को लगा जे सांड हमारा कोई कांड ना कर दे अपन एक खंबे पे चढ़ गया पर अपन को क्या पता था उस खंबे में करंट है मक्खन तेरी आह ऊ सब कुछ ठीक कर दूंगा लेकिन जिस काम के लिए तू गया था वो काम हुआ या नहीं काम तो हो गया मालिक जी ये अर्जुन हमको कुछ खत दे के गया हाँ हम बोला था उसको आने का टाइम लेके आओ करके मिस्टर कुट्टी ये आईसा फ्रॉम स्केलेटन ये किसका हो सकता है हमको क्या पता अब क्या करें आयो बोल के पढ़ो क्या हम पढ़े और नहीं तो कौन पढ़ेगा वो चश्मा नहीं है दिख अब पढ़ो थोड़ा कोशिश करो आयो उल्टा आ श्रीमती कुट्टी इंग मिंग चिंग मई वो कब्जा किंग जो करेगा तुम्हारे घर पे कब्जा क्योंकि तुम्हारा घर है काली अब तुम रोओगे और मैं बजाऊंगा ताली क्यों ये क्या है ये राइम लिख के भेजा है हाँ क्योंकि एक बार जो मैंने कमेंट अनपढ़ है ये अनएजुकेटेड हाँ बहुत कमिटमेंट कर ली तो मैं अपनी माँ की भी नहीं सुनता पूजा किंग भूषण बाटिया अयो ये कब्जे करेगा मिस्टर कुटे हमारा घर पे कब्जे करेगा अच्छा यो 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 आप कैसे करेगा इसका यो वाइफ जी आप चिंता मत करो हम अपना घर को वो ताला लगा के आया है कब्जे नहीं करेगा कब्जा करने वाला ताला खोल के अंदर जाएगा क्या ये तो बहुत नुकसान होगा ताला छोटा है पर बहुत महंगा है अब क्या करें वाइफ जी मिस्टर कुट्टी तुमको ताला का नुकसान दिखता है इतना बड़ा घर जाएगा उसका नुकसान ही नहीं दिखता है अयो सच में अब करेगा क्या अब ना घर रहेगा खाली ना होगा कब्जा तुम्हें समझा अयो अम्मा समझा पैकिंग शुरू करो जल्दी से ये हुई ना बात अब लगा तीर निशाने पे अब होगी इस घर से कुट्टी की छुट्टी अरे मक्खन कहाँ जा रहा है दुकान खोलने दीदी कुछ काम था हाँ घर के बाहर जाकर फोटो खींच क्या हुआ शर्मा कर रहा है दीदी वो आपने कहा ना कि अपन अपनी घर के बाहर जाके फोटो खींचे अपन जानते दीदी आपको हमारी शादी की बहुत चिंता है दीदी अपन ना अभी झनाटेदार कपड़े पहन के अपनी फोटो खींच के आते हैं दूल्हे राजा इधर आओ आपकी फोटो नहीं घर की फोटो खींचना और पप्लू पेंटर को भेजना है घर की फोटो पप्लू पेंटर को क्यों अरे पेंट करवाना है ना उससे वो फोटो थोड़ी ना पेंट करता दीदी वो तो घर पेंट करता है ना मेरे भोले भंडारी फोटो पेंट नहीं करवानी घर की पेंटिंग करवानी है वो इस फोटो को कंप्यूटर में लोड करेगा उसमें कलर्स भरेगा और जो कलर्स हमें पसंद आएंगे हम वो पेंट करवा लेंगे पर अपन कह रहे थे दीदी की अपन की शादी की बात करेंगे तू ये काम कर दे तेरी शादी के बाद पक्का करूंगी पक्का ठीक है दीदी आप बस मैं फोटो खींचता हूँ और पप्लू पेंटर को भेजता हूँ ठीक है ओके दीदी
कमबख मरा छिचोरा कहीं का कमसीन की फोटो खींचता है। कमसीन दिख नहीं रहा है तुझे? कहाँ है? कहाँ है कमसीन? दिखता नहीं तुझे? नहीं नहीं बहन जी। बहन जी किसको बोला? सॉरी आंटी। आंटी किसको बोला? सॉरी अम्मा। अम्मा बोला? अभी बताती हूँ। एक तो कमसीन कली की फोटो खींचता है, ऊपर से अम्मा बोलता है। अबे अम्मा निकाली थी तेरा उपमा। गलती हो गई बहन जी। मोटी मैं सांड कैसे पा रहा है मेरे को? अरे अपन को देखा तो नहीं किसी ने पिटते हुए? अरे अपन की शादी नहीं होगी मक्खन, इज्जत बचानी है तो भाग। फोटो खींच और भाग मक्खन। अरे क्या हुआ संगीता? सर में दर्द है? नहीं वो असल में। तो दांत में दर्द है क्या? नहीं वो असल में। कुत्ती का खा लिया? नहीं वो असल में। तो फिर आप चीख क्यों रहे थे? वो असल में। अरे जल्दी मुंह खोलना। हाँ बोलो। वो अरे मम्मी ऐसी कौन सी बात है जिसे बोलने में तो टाइम लग रहा है। अरे कहीं कुछ ये अर्जुन की अम्मा ने तो नहीं बोल दिया? अरे सकलेचा अम्मा क्या बोलेगा उसको? हाँ एक्चुअली वो बोलना चाहते हैं लेकिन तुम लोग इतना बोल रहा है उसको बोलने को मौका तो दो। नहीं नहीं बस बस बस। ये आंसुओं का समंदर क्यों बह रही है? मैं तो छोटी को बोल रही हूँ रुक रही है ले रुक रही है जाने के लिए तो बैग ही अरे कर लिए मैं बोल रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन सुनती नहीं है। भगवान अम्मा बताता है आपको अम्मा बताता है प्लीज प्लीज प्लीज। वो क्या है हम लोग ये गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं ना अपना घर में ही इसलिए वो बहुत दुखी है इसलिए वो दिल से बहुत रोना आ रहा है ऐसे बोल रहे हैं। और हमारी तो सारी पैकिंग भी हो गई है। नहीं 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 मिसेस कुट्टी ये अच्छी बात नहीं है आप हमारा घर छोड़ के जा रही हैं बड़ा बड़ा दुख हो रहा है। अरे हमसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए ना हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है सकलेचा आप लोगों से कोई गलती नहीं हुआ है। वो क्या है हम लोगों का घर के ऊपर कोई कब्जा करने वाला है ऐसा नोटिस मिला है तो वो हम लोग इसीलिए अपना घर में जाएगा तो अच्छा है ना इसीलिए। कोर्ट का नोटिस? कोर्ट का नोटिस नहीं वो क्या उसका नाम बोला मिस्टर कुट्टी कब्जा किंग कब्जा किंग वो अपने घर के ऊपर कब्जा करने का बोला ऐसा नोटिस आया है तो अच्छा है ना हम लोग अपने घर में जाएगा तो कम से कम घर बचेगा है। आयो ये नोटिस दिया है देखो। हे भगवान मिसेस कुट्टी आप जानती हैं ये किससे पाला पड़ा है आपका? हाँ ये कब्जा किंग का असली नाम पता है आपको? भूषण भाटिया बड़ी भयानक चीज है छोटा बम बड़ा धमाका कि एक बार कमिटमेंट कर देता है ना तो अपनी माँ की भी नहीं सुनता भयानक चीज है ये। नहीं 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 तुम नहीं जा सकती। मेरा मतलब है कि आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है जिससे मैं ललिता को लॉन्च करना चाहता हूँ अगर आप लोग चले गए तो वो फिल्म बनेगी कैसे? So, no, no, no. Oh, फिल्म बनाने वाले पहले ये फिल्म का एंड लाने दे अगर ये फिल्म का एंड नहीं आया ना इन सब का दी एंड हो जाएगा सब बेघर हो जाएंगे। बेवकूफ फिल्म बनाने चला है चुप। ये कब्जा किंग की बात बहुत हल्के में मत लीजिए जल्दी जाइए नहीं तो हाथ धो बैठेंगे अपने घर से निकलिए यहाँ से। मतलब मिसेस कुट्टी आप जाएंगी तो बड़ा दुख होगा मुझे बहुत दुख होगा। किसी को भी कहीं पे भी जाने की कुछ करने की कोई जरूरत नहीं जहां तक मैं ये कब्जा किंग को जानता हूं ना तो वो कब्जा करने के पहले कोई नोटिस वोटिस नहीं भेजता। बेटा वो
सकता है उसने अपना नियम बदल दिया हो। क्या ना कि वो कब्जा किंग है, और कौन इंसान कब्जा करने के पहले नोटिस चिपकाता है? अम्मा, आई एम डेफिनेटली श्योर ये कोई लुच्चे लफंगे घटिया किस्म के दंगे वाले इंसान का काम है। वो कब्जा किंग है, अगर उसे घर पे कब्जा करना होता तो अब तक वो घर पे कब्जा भी कर चुका होता हमारे। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप रुकिए। सकलेचा गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। ये तो सारा प्लान चौपट कर दिया इस अम्मा के टम्मा ने, क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करो, ये मकान तुम्हारे बाप दादाओं के जमाने का है, हमारे मकान पे कब्जा मत करो कब्जा किंग। हाँ मैं लल्लन, कब्जा किंग तो वो हमारे बॉस हैं। नहीं, देखो ये सब मत करो, ये मकान तो हमारे बाप दादाओं के भी बाप दादा के जमाने का है, हमारे मकान पे कब्जा मत करो कब्जा किंग। हमें पुत्तन, कब्जा किंग हमारे बॉस है। अरे कौन है यार तुम्हारा बॉस? मैं तो एक कब्जा किंग को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, फालतू में दो थप्पड़ खा लिया मैंने। अब तीसरा खा। अबे इधर इधर नीचू। मैं हूँ कब्जा किंग। तू तो बेइज्जती कर रहा है बे। वो एक्चुअली कब्जा किंग जी, वो आपको देख के ना लगता नहीं है कि आप बॉस हैं। वो आप छोटे से मतलब मामूली से चोर लगते हैं आप। हाँ बिल्कुल चोर लगते हैं। आपको याद है ना, एक बार मंदिर के बाहर चप्पर चोर समझकर लोगों ने आपको घसीट किसी के पीटा था और कूटा भी था। चुप बे। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? इससे ज्यादा कुटाई तो लंगर के बाहर हुई थी बॉस की, जहाँ पे ये मुफ्त का खाना चोरी करते हुए पकड़े गए थे। अबे चुप! इधर इधर। तो बोलना जरूरी है क्या? सॉरी। मकान मालिक तू 25 लाख दे और मकान ले। मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं अपनी माँ की भी नहीं सुनता। चल निकल, पैसों का इंतजाम कर। चल निकल। मालिक आप उदास मत बैठिए, नहीं तो अपन का दिल बैठ जाएगा। तो क्या नाचू? मालिक नाच तो एक आइडिया अपन के दिमाग में रही है। मालिक तो आइडिया कब देगा, बोल जल्दी। मालिक आइडिया जे है कि क्यों ना हम झूठ को सच में बदल दे और सच्ची में कुट्टी अम्मा के घर पे कब्जा करने के लिए कब्जा किंग को सौंप दे दे। शर्म नहीं आती तुम्हें है? ऐसी घटिया बात करते हुए किस हद कर दिया मैंने तुझे? तुझे मैं ऐसा आदमी लगता हूँ जो दूसरों के घर पे कब्जा करे? चल निकल यहाँ से, कोई बात नहीं करनी तुमसे। नहीं नहीं मालिक, मालिक 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 माफ कर दो मालिक अपन को। मालिक वो क्या है ना, अपन आपको उदास नहीं देख सकते मालिक, अपन के लिए गलत सही सब आप ही हो मालिक, माफ कर दो मालिक अपन को। एक बात बताओ, ये सौंप क्या होता है? सौंप मालिक जैसे किसी को टपकाने के लिए सुपारी देते हैं ना, ऐसे ही किसी के घर पे कब्जा करने के लिए सौंफ देते हैं। हाँ, मालिक वैसे आप एक बार सोच के देख लीजिए, कल को कुट्टी अम्मा अगर रूमी दीदी को ले जाएगी ना तो फिर आपका क्या होगा, और कब्जा किंग अगर कुट्टी अम्मा के घर पे कब्जा कर लेना तो अपने घर पे भागे भागे जाएगी मालिक और कभी वापिस नहीं आएगी। लेकिन उनके घर पे जो कब्जा होगा उसका क्या? मालिक जब कब्जा किंग कब्जा छोड़ने के लिए 5-10 लाख रुपए मांगेगा तो उसको आप दे देना। हाँ 5-10 लाख रुपए में रूमी दीदी की विदाई हमेशा के लिए रुक जाएगी मालिक, और अम्मा का घर भी कब्जा किंग से बच जाएगा, कुट्टी अम्मा का नुकसान भी नहीं होगा और मालिक आपका फायदा हो जाएगा। अरे मैं मेरी बेटी के लिए अपनी जान दे दूं, 5-10 लाख रुपया क्या चीज है।
जाके खींच तस्वीर उस कुट्टी निवास की और दे दो कब्जा किंग को कुट्टी निवास का कब्जा करने का सौंप। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम।